नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं डेली हिंद और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो, प्रशासन ऐसी नकारा हरकत के लिए माफी मांगे। दोस्तों, ये मांगे अब बढ़ने लगी है, ये मांगे अब देश के कोने कोने तक फैलने लगी है। मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किए जाने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है, यह मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। लोग इसे सरकार के हिंसात्मक कार्रवाई बता रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर उनके समर्थन को लेकर तमाम दिग्गजों सहित देश के अलग अलग कोनों से लोग अपनी आवाजें अब बुलंद कर रहे हैं। लोग प्रमुखता से अब बोलना शुरू कर चुके हैं। सबकी मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें रिहा किया जाए और प्रशासन ऐसी नकारा हरकत के लिए माफी मांगे। प्रशासन को माफी मांगना चाहिए, ऐसा लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं। आपको बता दें कि इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती अजहरी के कई वीडियोस देश की जनता ने देखे हैं। मुफ्ती अजहरी का कद आज के समय में इस सरकारी बाधा तंत्रों से कोसों आगे है, कोसों बड़ा है। बावजूद इसके धर्म मजहब की राजनीति में उलझाने वाली सरकार प्रशासन के बलबूते जनता का मजबूत स्तंभ मुफ्ती साहब पर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में पिछले दिनों कई जगह प्रदर्शन देखे गए हैं। समर्थकों ने देश के विभिन्न कोनों से उनके समर्थन में प्रदर्शन किया है। ऐसे में अब तो प्रशासन को भी समझने की जरूरत है। प्रशासन को समझ लेना चाहिए कि एक वीडियोस के एक छोटे से क्लिप को निकालकर उसे इमली जामा पहनाने से बेहतर है कि उनके और वीडियोस देख लिए जाए। उनका और वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, आप देख लें। प्रशासन को अब यह समझना चाहिए, क्या एक वीडियो के कुछ आंशिक आधार, एक वीडियो का एक छोटा सा क्लिप पर यह कह देना जायज है कि किसी स्कॉलर व्यक्ति ने किसी धर्म मजहब या किसी जाति का अपमान किया है। यह आज के समय में जनता को सोचने वाली बात है, जनता को सोचना चाहिए, जनता को विचार करने की जरूरत है कि धर्म निरपेक्ष देश का यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें बोलने की आजादी नहीं है, यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें बोलने की आजादी छीनी जा रही है, जिसमें लोग अपनी आवाज बुलंद से, अपनी आवाज प्रमुखता से नहीं रख सकते हैं। मुफ्ती साहब अपनी बात प्रमुखता से रख भी नहीं सकते क्या? ये देश का अब लोकतंत्र है हमारा। दरअसल प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि उन्होंने अपनी भाषण में, अपने वक्तव्य में धर्म विशेष पर टिप्पणी की है। अब इस पर सियासत के रंग भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के कार्यकर्ता जमकर अब बवाल काट रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी के अमजद खान ने अपने लेटर पैड पर राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है। यह पत्र में उन्होंने लिखा है, वो हम आपको हूबहू बताते हैं। दोस्तों, इस पत्र में लिखा गया है कि माननीय राष्ट्रपति साहब, भारत सरकार महोदय उपरांत विषय के तहत आपसे अनुरोध करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात और मुंबई ATS की टीम ने बीते 4 फरवरी को बेवजह गिरफ्तार किया है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। उन्होंने समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत किया है, पर आहत नहीं किया है, परंतु जो उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में जो शेर पढ़ा था वो किसी विशेष समुदाय धर्म के बारे में गलत बात नहीं थी। मुफ्ती अजहर साहब जूनागढ़ के तकरीर में किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं कही थी, लिहाजा प्रशासन उन्हें झूठा फंसा रही है। इसके बाद नेता अमजद खान के बोल्ड लाइन में उन्होंने लिखा है, एक बोल्ड लाइन में उन्होंने अच्छे से लिखा है कि गुजरात ATS द्वारा सुप्रीम कोर्ट का पालन न करने हेतु मुफ्ती सलमान को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गुजरात ATS ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के नियम 41 का उल्लंघन किया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि तुरंत इस विषय पर संज्ञान लेते हुए उन्हें रिहा किया जाए, अन्यथा पुसद पुलिस समाज के द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इनके द्वारा साफ साफ यह बात कह दी गई है, यह बात कह दिया गया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगर रिहा नहीं किया गया तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ये लोग अब सड़कों पे आएंगे और प्रदर्शन करेंगे, देश के कोनों कोनों से, कोने कोने में जाकर अब प्रदर्शन करेंगे, और जब तक इन्हें रिहा नहीं किया जाता है
तब तक जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसके अलावा भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा है कि देश के बड़े इस्लामी विद्वान मुफ्ती आजरी जी के बयान को भाजपा राजनीति बना रही है, राजनीति तरीके से देख रही है। भाजपा का उद्देश्य इस पर राजनीति करना है या भाजपा के सत्ता का अहंकार है? वही एक हिंदू यूजर है जिनका नाम है अश्विनी सोनी, उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर जो पूर्व में था वो एक्स हो गया है, उस पर लिखा है कि मैं एक हिंदू हूं, मैं मुझे कहीं से भी नहीं लगता है, मुझे उनके बयान में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है जो हमारे धर्म आस्था भावना को हानि पहुंचा रहा हो। ऐसे में तमाम यूजर्स सोशल मीडिया पर प्रशासन और सरकार की मिली भगत वाली इस कार्रवाई को निंदनीय बता रहे हैं और जल्द ही उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, अगर ऐसी बात होती है देश में तो ऐसे होना जायज है, ऐसा होगा ही। देश के कोने कोने से आप देख रहे होंगे, जब से उन्हें एटीएस मुंबई पुलिस और गुजरात के जूनागढ़ का जो पुलिस है जब से उन्हें गिरफ्तार किया है, तब से ऐसी ऐसी बातें चल रही है और ऐसी ऐसी चीजें हो रही। अब तो अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया है तो जेल भरो आंदोलन भी होगा। अब देखने वाली बात है कि क्या होती है और जो उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र दिया है उस पत्र में क्या कहा जाता है, पत्र का क्या जवाब आता है, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, वो भी हम आप तक दिखाते रहेंगे। लेकिन यह अभी भी सोचने वाली बात है, क्या सच में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? क्या सच में लोकतंत्र में अब बोलने की आजादी नहीं रह गई है? क्या मुफ्ती साहब अब अपनी आवाज प्रमुखता से नहीं रख सकते हैं? जब हिंदू यूजर्स है, जो अलग अलग हिंदू यूजर्स है, चंद्रशेखर है, भीम आर्मी के, वो भी ये बातें कह रहे हैं कि ये जो सरकार है भाजपा की सरकार, वो अपनी मनमानी कर रही है, वो हिंसात्मक हो रही है। क्या सच में भाजपा इसे राजनीति तुल दे रही है? अब तो ये सवाल उठना लाजमी हो गया है कि भाजपा किसी भी अन्य धर्म के या अन्य जो मुफ्ती है, जो स्कॉलर है, जो अन्य धर्म के विद्वान है, उनको राजनीति तुल पकड़ते हैं और उनके साथ राजनीति व्यवहार से पेश आते हैं। देखिए, ये बात अब लाजमी हो गई है पूछना और ये आप दर्शकों से भी पूछना चाहते हैं। इसमें आप बताइए, आप दर्शकों का क्या राय है, क्या विचार है? क्या सच में मुफ्ती साहब को रिहा करना चाहिए? क्या मुफ्ती साहब को बेवजह गिरफ्तार किया गया है? मुफ्ती साहब ने किसी धर्म, किसी संपदा, किसी आस्था, किसी जाति को अपमानित नहीं किया है? उनके भाषण में ऐसी बात नहीं कही गई है? क्या उनके भाषण का जो शब्द था, उनके भाषण का जो वक्तव्य था, उसमें कहीं भी कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी संप्रदाय पर टिप्पणी की बात कही गई थी? और अगर कही गई थी तो उसका क्या होना चाहिए, और नहीं कही गई थी तो क्या प्रशासन अब गलत फायदा उठा रही है? जो केंद्र में सरकार है वो गलत फायदा उठा रही है,